हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी, मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों, TVS के पास अभी तक इंडियन मार्केट में सबसे फेमस बाइक स्पोर्ट्स सेगमेंट में अपाचे ही रहा है। इसलिए TVS अलग अलग वेरिएंट में अपाचे को इंडियन मार्केट में पेश किया है, लाइक 160cc हो गया, 180cc हो गया, 200cc हो गया। बट दोस्तों, TVS का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो गाड़ियाँ हैं ये रेसिंग के मामले में पीछे छूट जा रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि TVS के पास भले ही 180cc का इंजन है, लेकिन अगर उस गाड़ी से TVS R15 से रेसिंग करता है तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हालांकि R15 में 155cc का इंजन मिलता है और TVS में 180cc का इंजन मिलता है। मैं 160 की बात नहीं कर रहा हूँ, 160 तो बिल्कुल ही पीछे छूट जाती है, मैं 180cc की बात कर रहा हूँ। तो इस मामले में TVS को ऐसा लगा कि भाई जो हमारा गाड़ी है 180cc हो करके भी R15 से पीछे छूट जाता है। इसलिए दोस्तों, TVS एक ऑल न्यू बाइक को ऑल न्यू इंजन के साथ इंडियन मार्केट में पेश करने जा रही है, जिसका नाम होगा TVS अपाची RTR 165 RP। RP रिप्रेजेंट रेसिंग परफॉर्मेंस। इस गाड़ी को बेसिकली रेसिंग सेगमेंट को ही टारगेट किया गया है। जितने भी रेसिंग सेगमेंट्स के जो राइडर है उन पे मेन फोकस करके इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। TVS का कहना यह है कि अभी वो 200 ही यूनिट बनाने वाला है, आगे क्या रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मास प्रोडक्शन को इंडियन मार्केट में आगे फिर बढ़ाएगा। अब दोस्तों, इस बाइक की अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस होगा 1.45 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से। कंपनी का कहना यह है कि ये बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक होने वाली है। इस सेगमेंट में ये सबसे टॉप पे जाएगी, अगर चाहे हम पावर की बात करें, चाहे हम टॉर्क की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें, ये किसी भी मामले में ये अपनी सेगमेंट को मतलब आसानी से टक्कर दे सकती है। अपनी सेगमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ R15 था, जिसमें आपको 18.6 PS का पावर मिल रहा था 10,000 RPM पे, और इस बाइक में आपको 19.2 PS का पावर मिल रहा है 10,000 RPM पे। तो आप देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही आगे जा रही है अपनी सेगमेंट में। मतलब सच में यार, इट्स क्रेजी। इस सेगमेंट में अभी तक कोई भी बाइक नहीं था जो R15 को टक्कर दे पाएगा, बस TVS ने ऐसा कर दिखाया है। जब ये बाइक इंडियन मार्केट में आती है तो मैं तुरंत उस पर एक वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूँगा। ये बाइक 2022 में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो ये न्यूज़ सुन करके मुझे काफ़ी सरप्राइज़ लगा कि हमारे बीच एक ऐसी बाइक आ रही है जिसमें आपको बेहतरीन पावर मिलेगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का पावर मिलने वाला है, टॉर्क मिलने वाला है, और जिसका प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है R15 से। तो जिन भाई लोगों को ज़्यादा मतलब गाड़ी भगाने का शौक़ है, ज़्यादा रेस करने का शौक़ है, वो इस बाइक को ले सकते हैं। और इस बाइक में क्या क्या नया देखने को मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की आपको बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देखने को मिलता रहता है। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये बाइक आपको कैसी लगी है, TVS अपाची RTR 165 RP। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।